फटाफट खबरें स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में पूजा। फटाफट नजर डालते हैं देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर। विनय कुमार सक्सेना बने दिल्ली के नए राज्यपाल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अनिल बैजल का इस्तीफा स्वीकार करते हुए विनय कुमार सक्सेना को नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। कर्नाटका में टेक ओवर के दौरान लॉरी से टकराई बस, 7 लोगों की मौत, 26 घायल। कर्नाटका हुबली में हुआ सड़क हादसा। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल डॉक्टर अजीज कुरैसी ने ज्ञानवापी मस्जिद पर दिया बड़ा बयान। कहा, दुर्भाग्य की बात है कि जो हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं, उनकी तरफ से ऐसे लोगों की निंदा करने के लिए एक शब्द नहीं आता। कहा, मोदी सरकार इंसानियत को बांटने का कर रही है काम। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का सपा पर बड़ा हमला। बोले, समाजवादी पार्टी कुएं के मेंढक की सोच से बाहर आए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मस्जिद के इमाम ने 8 माह की गर्भवती बीवी को छत से फेंका, आरोपी हुआ गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के कोरबा में दीवार फाड़कर प्रेमी के घर पहुंची लड़की, घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा। लड़के के परिवार वालों ने लड़की के खिलाफ दर्ज करवाई शिकायत। कुतुब मीनार एक स्मारक, यहां किसी भी धर्म को पूजा पाठ करने की इजाजत नहीं। हिंदू पक्ष की याचिका का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने हलफनामे में किया विरोध। अखिलेश यादव ने साधा राज्यपाल के अभिभाषण पर निशाना, कहा सरकार की योजनाओं में केवल RSS का एजेंडा। रामपुर में भाजपा नेताओं ने कैमरी थाने में घुसकर पुलिसकर्मियों को पीटा, दारोगा पर ताने रिवॉल्वर। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर रामदास अठावले ने राज ठाकरे का किया समर्थन, कहा तत्काल विधेयक लाने की है जरूरत। सरकार ने अंतर्राज्यीय परिषद में किया फेरबदल, प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में होगी कमान, शाह को भी मिली जिम्मेदारी। झारखंड खनन पट्टा आवंटन मामले में CM हेमंत सोरेन को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने रांची हाई कोर्ट को दिया PIL की जांच का आदेश। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में 3,60,00,000 रुपए की धातु की मूर्ति बेचने निकला था साथी चोर, पुलिस ने मौके पर जाकर किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटों पर 10 जून को होने वाले चुनाव के लिए नामांकन आज 31 तारीख तक दाखिल होंगे पत्र। मध्य प्रदेश के दतिया में लापरवाही पर एक्शन, आबकारी निरीक्षक समेत 5 निलंबित ADO, जिला प्रभारी को हटाया, कईयों को दिया गया नोटिस। नर्मदापुरम में प्रधानमंत्री आवास घोटाला, पूर्व अध्यक्ष सहित 7 कर्मचारी दोषी, जल्द हो सकती है FIR। मिली भगत से करोड़ों रुपए फर्जी हितग्राहियों को बांटे। दिल्ली के लोगों को मिली 150 इलेक्ट्रिक बसें, अरविंद केजरीवाल ने दिखाई हरी झंडी, 3 दिन कर सकेंगे मुफ्त सफर। इंदौर में मंत्री तुलसीराम सिलावट की फिसली जुबान, ज्योतिरादित्य सिंधिया को बताया प्रदेश का CM, कांग्रेस ने कसा तंज। उत्तर प्रदेश में हर एक परिवार के एक सदस्य को मिलेगा रोजगार, योगी सरकार का बड़ा फैसला, नई सरकार गठन के बाद मुख्यमंत्री ने तैयार की योजना। कांग्रेस ने 2024 लोकसभा के लिए टास्क फोर्स का किया गठन, बनाई गई 8 सदस्यीय पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी। देश में 12 से 17 माह तक के करीब 80% शिशु एनीमिया के शिकार, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में हुआ खुलासा। इस वर्ग में देश में लद्दाख में सर्वाधिक 93.9% बच्चे एनीमिया के शिकार। हिंदू हूँ और अगर मैं चाहूँ तो बीफ भी खाऊंगा, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने RSS पर धर्मों के बीच मतभेद पैदा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीफ खाने वाले को किसी एक समुदाय से संबंधित नहीं किया जा सकता। टाइम मैगजीन की दुनिया में सबसे प्रभावशाली लोगों की 2022 की सूची में 3 भारतीय हुए शामिल। भारत के सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी, सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट करुणानिधि और कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज भी शामिल। ज्ञानवापी मस्जिद केस में वाराणसी कोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला कल तक रखा गया सुरक्षित। मध्य प्रदेश के बालाघाट में 26 वर्षीय महिला ने एक साथ 4 बच्चों को दिया जन्म, परिजन बोले हमें 4 गुना मिली खुशी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भ्रष्टाचार को लेकर स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को किया बर्खास्त। गुजरात के चावल मिल में लोहे का शेड गिरने से 3 मजदूरों की हुई मौत, 4 हुए घायल। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए ऐलान हुई भारतीय टीम में इमरान मलिक के चुने जाने पर वीरेंद्र सहवाग ने कहा, इमरान बन सकते हैं भारत के लिए एसेट, लेकिन उनका इस्तेमाल संभल कर करना होगा। लखनऊ में सोमवार को शुरू हुए UP विधानमंडल के बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण के बीच UP विधान भवन की गुल हो गई बिजली, 3 अभियंता निलंबित, 1 की सेवा समाप्त। कानपुर की काकादेव थाना क्षेत्र में नाबालिग किशोर का धर्म परिवर्तन कराकर एक बच्चे की मां के साथ करवाया निकाह, बजरंग दल ने किया हंगामा। राजस्थान राज्य में अब पर्सनल कार का नहीं लगेगा टोल टैक्स, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जम्मू में शहीद हुआ MP के दमोह जिले का लाल, BSF जवान अकील खान की तैनाती, अमरनाथ यात्रा में यात्रियों की सुरक्षा में लगाई गई थी। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले की उप जिला अस्पताल बनिहाल में डॉक्टर ने नवजात बच्चे को बताया मृत, दफनाने के दौरान मिला जिंदा, परिजनों के आक्रोश के बाद 2 कर्मचारी निलंबित। इंदौर गौरव दिवस के अंतर्गत 25 मई से लालबाग पर होगा मालवा उत्सव, जनजाति नृत्य और लोक कला को रहेगा समर्पित।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 29 मई को आएंगे उज्जैन। उज्जैन आने वाले 9वें राष्ट्रपति होंगे। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के नरसिंहगढ़ के 21 साल के रक्षित श्रीवास्तव ने 520 किलोमीटर की धरती नाप ली। कारगिल से कन्याकुमारी तक का किया सफर, गिनीज बुक में नाम दर्ज। गोवा की तर्ज पर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में बना बिहार का पहला वाटर स्पोर्ट्स अम्बावर। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 34 ट्रेनें 24 जून तक नहीं चलेंगी, सीएम बघेल ने जताई साजिश। रीवा की वैशाली सिंह नेशनल बास्केटबॉल कैंप के लिए चयनित, यहां से फीफा एशिया कप की टीम में मिलेगी एंट्री। पंजाब के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मिट्टी बचाओ अभियान का किया समर्थन, लोगों से किया आग्रह। हिमाचल का पहला स्मार्ट शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र बनेगा सोलन। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार।